गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 टुडे। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। और फार्मूला क्या था बच्चों, हां जी ये दिस इज द फार्मूला टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन, लिमिट x अप्रोच 0 fx - f(a) डिवाइडेड बाय x - a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x लिमिट एक बार क्या लेफ्ट को अप्रोच करेंगे, एक बार राइट को अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट को अप्रोच करेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x अप्रोच 0 नेगेटिव fx - f(a)। a यहां पर क्या है, a मींस क्या, यहां पर यानी कि 0, x इज इक्वल टू a मींस क्या, 0 को अप्रोच कर रहा है यहां पर। तो लिमिट x अप्रोच नेगेटिव fx माइनस, यहां पर जो वैल्यू पुट किए फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या है 0, तो बच्चों मॉडुलस 0। ओके बच्चों, यानी कि मॉडुलस 0 है यहां पर, x तरफ हमने 0 पुट करना है, डिवाइड बाय x माइनस 0, x माइनस 0। ओके बच्चों, यानी कि a, आपने a के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है, और यहां पर ax = a, a मींस यहां पर क्या है 0 यहां पर लिया गया इसको। ओके, तो लिमिट x अप्रोच a नेगेटिव मॉडुलस x, ये 0 बन जाए बच्चों, यहां पर 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट 0। तो मॉडुलस x डिवाइड बाय x पुटिंग x, जैसे आपने लिमिट के अंदर अप्रोच करते बच्चों, जैसे आपने लिमिट कंटिन्यूटी चेक की थी, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते थे, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते थे, 0 माइनस x, h अप्रोच 0, एक बार 0 प्लस h राइट हैंड में, और h अप्रोच 0। तो यहां पर लेफ्ट हैंड में क्या करेंगे, x अप्रोच 0 माइनस h, h अप्रोच 0, तो लिमिट h अप्रोच 0 मॉडुलस x के सामने क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h डिवाइड बाय x के सामने पुट करेंगे 0 माइनस h। बच्चों यहां पर 0 माइनस h करता है माइनस h, यानी कि मॉडुलस यहां पर मॉडुलस माइनस h डिवाइड बाय माइनस h। बच्चों मॉडुलस करता है चाहे माइनस हो या प्लस हो, तो हमेशा मॉडुलस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव की जो क्वांटिटी की जो मॉडुलस होता है, मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां पर माइनस एच का मॉडुलस क्या है, प्लस का एच डिवाइड बाय माइनस एच, क्योंकि यहां मॉडुलस नहीं है माइनस एच, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा और माइनस वन। ओके, तो इसकी जो हमारी लेफ्ट लिमिट क्या है, माइनस वन। इसी प्रकार बच्चों हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है, एक्स अप्रोच करो 0 को, और हमारे पास जो देखो डेफिनेशन भी सेम है, डेफिनेशन सेम रहे, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड राइट में क्या, एक बार नेगेटिव अप्रोच करेगा फंक्शन, मार्क के पास ये लिया जाएगा दोनों में, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, और क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राइट हैंड में क्या करेंगे, 0 पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो ए है बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ ए लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ए लिखा हमने यहाँ पर 0 लिखा था, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर ए मींस क्या है, यहाँ पर ए मींस क्या, 0 लिखा गया। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ देखिए लिमिट एक्स और 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ इनटू ए डिवाइड बाई एक्स माइनस 0, लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव, मॉडुलस fx की वैल्यू क्या, fx वैल्यू पुट करें, जैसे यहां पुट की थी आपने, मॉडुलस x माइनस f इनटू 0, जब फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 डिवाइड बाय x, यहां भी बच्चों जैसे हमने यहां 0 वैल्यू आई थी मॉडुलस 0 क्या होता है, 0 होता है, सीधा हमने यहां पर क्या लिख दिया, डायरेक्ट मॉडुलस x / x लिख दिया यहां पर, लिख दिया बच्चों। ओके, तो लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव मॉडुलस x / x, अब बिल्कुल सेम इसकी तरह जैसे आपने लिमिट के निकालने के लिए बच्चों क्या किया था, पॉजिटिव के लिए 0 x अप्रोच 0 प्लस x अप्रोच x is equal to put करेंगे 0 plus h, then h approach 0, limit h approach 0 modulus x is equal to क्या put करेंगे 0 plus h, यानि कि modulus 0 plus h divided by 0 plus h, ऊपर बच्चों modulus है और नीचे क्या है, modulus का symbol नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो देखो यहाँ पर x कैसे आया था, यहाँ पर divided by x नहीं है, क्योंकि ये according to definition का अनुसार बच्चों यहाँ पर x, अदरवाइज यहाँ नीचे x आने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये नीचे x कैसे आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अंदर भी राइट हैंड डेरिवेटिव के नीचे x है, यहाँ पर ऊपर मॉडुलस है, लेकिन यहाँ फंक्शन के अंदर नीचे x नहीं है, ये कैसे आया, ये आपके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो डिफरेंशियल जो डेफिनेशन होती है बच्चों, ये उसके अनुसार लिया गया। ओके बच्चों, यहाँ पर जो क्या है, a क्या है यहाँ पर 0 है, तो x - 0 क्या आपके पास x है, यानी कि मॉडुलस x / x, हाँ जी पुट किया है, x = 0 प्लस tan h अप्रोच 0, लिमिट h अप्रोच 0 मॉडुलस 0 प्लस h / 0 प्लस h, बच्चों मॉडुलस का h है तो प्लस का h बन जाएगा, h / h, h h कैंसिल हो गया 1। तो आप यहां देख रहे हो बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बच्चों क्योंकि बोथ डेरिवेटिव के दोनों डेरिवेटिव फाइनाइट है, फाइनाइट तो है। ओके बच्चों, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके बच्चों, देखो सबसे पहले क्या है, दोनों फाइनाइट होने चाहिए, अगर इनमें से एक भी क्या फाइनाइट नहीं होता है, सपोज करो ये इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है, तो भी क्या फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफरेंशियल बन जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है, दोनों फाइनाइट होने चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की जो वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, और साथ में दोनों इक्वल भी होने चाहिए। अब यहां दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू दोनों की, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इक्वल भी होने चाहिए, डेफिनेशन कहती है फाइनाइट एज वेल एज बोथ आर इक्वल, तो
तो ये इक्वल नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट दैट इज x इक्वल टू 0। बच्चों ने इसमें क्वेश्चन में चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूस कैसे है? कंटिन्यूस तो बन जाएगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बनेगा। कंटिन्यूस कैसे बन जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं बच्चों। देखिए अगर हमने आप कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी तो हमने चेक कर लिया पर कि ये डिफरेंशिएबल नहीं बना है। अब इसी प्रकार अगर हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहें तो आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। फंक्शन आपके पास यही है, पॉइंट भी आपके पास यही है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट ली यहाँ पर ली जाएगी x अप्रोच 0 नेगेटिव fx, पुट इन द वैल्यू ऑफ fx। हां जी बच्चों यहां का x को 0 में सब पुट करेंगे, आफ्टर इवैल्यूएटिंग वी गेट द रिजल्ट इज 0। ओके बच्चों इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, जैसे आपने बच्चों कंटिन्यूटी का चैप्टर किया सारे को हमने क्वेश्चन कर लिए यहां पर। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आप अपने आप भी इजीली कर सकते हो। ओके बच्चों क्योंकि हम ये चैप्टर ये टॉपिक हम कर चुके हैं। ओके बच्चों तो राइट हैंड लिमिट में भी इसी प्रकार बच्चों फंक्शन वैल्यू पुट की, फिर x को 0 प्लस एस पुट किया, x को 0 अप्रोच किया, ओके एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ द h एंड द रिजल्ट इज 0। अब एंड उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होने के साथ साथ क्या बच्चों उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, दिए गए फंक्शन जो हमारे पास दिए फंक्शन की वैल्यू पॉइंट के ऊपर, दिए गए पॉइंट के ऊपर भी इक्वल होनी चाहिए। ओके यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके यानी कि तीनों टर्म तीनों एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए तो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, थ्री टर्म्स आर इक्वल, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट दैट इज x इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस 1 फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल ऑफ द फॉर ऑल x belong to R, यानी कि x belong to R में जाके every real number is not differentiable at the point x is equal to minus 1 and x is equal to 1। हमने बच्चों यहाँ पर show करना है कि x is equal to minus 1 के ऊपर और plus 1 के ऊपर दोनों point के ऊपर ये function differentiable नहीं है जब x belong to for every real number। ओके बच्चों यहाँ दोनों के ऊपर modulus है, एक बार x minus 1 एक बार x plus 1, तो दोनों का एक बार सेपरेट अलग अलग इनक्वालिटी के अनुसार। ओके बच्चों पॉइंट के अनुसार देंगे, पॉइंट के साथ सोल्व करेंगे माइनस वन और वन के ऊपर चेक करेंगे। ओके यहाँ देखिए सबसे पहले फंक्शन गिवन है हमारे पास, हेयर दो टर्म हमारे पास दो फंक्शन है। ओके दोनों फंक्शन दोनों मॉडुलस फंक्शन है बच्चों, दोनों का सम है सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन। हाँ जी पहले क्या है मॉडुलस x माइनस 1, x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर x से क्या बच्चों 1 या 1 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या होगा, ये पॉजिटिव की वैल्यू आगी x माइनस 1। ओके अगर हमारे पास लेस देन 1 है, लेस देन 1 मींस का नेगेटिव नंबर आएगा बच्चों यहां पर, तो नेगेटिवली फिर ये फंक्शन बन जाएगा माइनस का। ओके यानी कि माइनस इनटू x माइनस 1। ओके नंबर इसका नाम नंबर 1 रखेंगे बच्चों यहां पर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। एंड अब दूसरा क्या फंक्शन क्या मॉडुलस के अंदर दोनों का प्लस किया क्या है, दोनों मॉडुलस फंक्शन है बच्चों सम ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन, सेपरेट अलग अलग सोल्व करेंगे एक बार इसको। ओके मॉडुलस x प्लस 1, ओके ये प्लस की इनक्वालिटी है, ये प्लस का फंक्शन आएगा कब, मॉडुलस x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ, यहां पर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 है तो बच्चों चाहे यहां पर हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो या x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो, तो दोनों का फंक्शन जो भी फंक्शन की वो पॉजिटिव रहेगा। अगर लेस देन के ऊपर चाहे चाहे 1 का लेस देन हो चाहे माइनस 1 का लेस देन हो तो क्या उसके ऊपर क्या फंक्शन नेगेटिव होगा, चाहे x माइनस 1 मॉडुलस हो चाहे मॉडुलस x प्लस 1 हो बच्चों। ओके यानी कि लेस देन के लिए क्या आएगा नेगेटिव फंक्शन आएगा और प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या रहेगा पॉजिटिव फंक्शन रहेगा। ओके बच्चों अब दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 फंक्शन हमारे पास ये दोनों को कंबाइन रूप हम लिख सकते हैं दोनों को बच्चों। अगर x लेस देन माइनस 1, अगर x क्या है लेस देन माइनस 1 बच्चों, x लेस देन 1 माइनस 1 है तो दोनों ही फंक्शन है क्या नेगेटिव होंगे, पहले वाला फंक्शन भी और दूसरे वाला फंक्शन दोनों फंक्शन क्या बन जाएंगे नेगेटिव बन जाएंगे लेस देन माइनस 1 के ऊपर। हम इसको सोल्व किया माइनस का x और बच्चों माइनस माइनस प्लस का 1 और माइनस x और माइनस का हो जाएगा 1, इनके प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस माइनस कैंसिल तो माइनस x माइनस 2x हो जाएंगे बच्चों। ओके इसके बाद अगर हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 बट लेस देन 1, अगर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 हो और लेस देन 1 हो तो हमारे पास जो पहला वाला फंक्शन तो क्या होगा नेगेटिव होगा, पहला वाला फंक्शन आप देख सकते हैं 1 में, यहां देखो x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए पहला वाला फंक्शन क्या बच्चों नेगेटिव है और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 के लिए फंक्शन क्या पॉजिटिव है, यानी कि पहला फंक्शन नेगेटिव बन जाएगा दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल और ये प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों और ये भी प्लस का 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 आपका। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, थर्ड कंडीशन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
अगर क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहाँ पर यह देखिए बच्चों, ओके बच्चे, एक्स अगर की वैल्यू एक एक से बड़ी है, वन या वन से बड़ी है बच्चों, तो दोनों फंक्शन क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, क्योंकि वैल्यू पुट करने पर क्या आएगी, दोनों फंक्शन में पॉजिटिव वैल्यू आगी, ओके। और ये वैल्यू रखने पर क्या है, एक में एक बार क्या पहले में नेगेटिव आती है, दूसरे में पॉजिटिव आती है, इसलिए क्या पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव। और ये अगर मैं वैल्यू रखते हैं यहाँ पर इसे लेस वाली वैल्यू रखता हूँ, तो दोनों फंक्शन क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बनेंगे। और अगर ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर एक्स ग्रेटर इक्वल टू वन, तो दोनों फंक्शन क्या बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। अब यहाँ देखेंगे प्लस का एक्स और प्लस का एक्स, तो प्लस के टू एक्स और माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा बच्चों, ओके। तो सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों क्या आती है फंक्शन की वैल्यू, एक बार आगे सिंप्लीफाई माइनस टू एक्स, फिर प्लस का टू और क्या और प्लस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स कब आया, इसको सिंप्लीफाई करके जब ये कंडीशन है, प्लस देखो यहाँ पर टू आया कॉन्स्टेंट फंक्शन बच्चों, ये कब आएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके अगर ये कंडीशन है, तो उसके बाद बच्चों टू एक्स फंक्शन आया मेरे पास, आइडेंटिटी फंक्शन आपका है, ये कब आएगा बच्चों, ये तब आएगा इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, और ये दोनों फंक्शन कब बनेंगे, अगर ये कंडीशन इफ वाली कंडीशन यहाँ देखना बच्चों, इस कंडीशन पर फंक्शन ये बन जाएगा, इस कंडीशन पर फंक्शन ये बन जाएगा, और इस कंडीशन का फंक्शन ये बन जाएगा, इनको सोल्व करने बाद ही आपकी वैल्यू आ जाएगी तीनों, ओके बच्चों। अब वन बाय वन सोल्व करेंगे, हमने क्या करनी है, डिफरेंशियलिटी चेक करनी है माइनस वन के ऊपर, तो इसके लिए डिफरेंशियलिटी चेक करने का क्या तरीका था बच्चों, देंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच माइनस वन नेगेटिव एफ एक्स माइनस, पुटिंग द फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशियल फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ इनटू माइनस वन, ए क्या है यहां पर, ए का मतलब माइनस वन है, और यहां पर ए का मतलब प्लस वन है बच्चों, ओके। अब माइनस वन पर चेक करें पहले, हां जी, तो क्या एफ एक्स इनटू माइनस वन डिवाइड बाय एक्स एक्स माइनस ए, और ए का मतलब क्या माइनस वन, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू बच्चों यहां का एफ एक्स की वैल्यू क्या, फंक्शन हमारे पास क्या नेगेटिव के लिए, एक्स अप्रोचेस माइनस वन नेगेटिव, माइनस वन नेगेटिव का आप यहाँ चेक कीजिए कहाँ पर दिया आपका माइनस वन नेगेटिव, देखो माइनस वन नेगेटिव के लिए आपके पास हमारे पास फंक्शन याद दिया बच्चों माइनस वन नेगेटिव, ये देखो ये माइनस टू एक्स, आपने बच्चों यहाँ देखना है। अब आपने जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे, अब दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद, अब आपने सिर्फ इस पर नजर रखनी है आपका फंक्शन ये बच्चों, आपने इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों मैंने इसको बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको बिल्कुल सोल्व करके यहाँ पर लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया जाएगा, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ चेक की जाएगी, यहाँ से नहीं है, क्योंकि इसको मैंने इनइक्वालिटी के अनुसार इस प्रकार से इसको अच्छे एक फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इसको लिख दिया बच्चों यहाँ से, ओके। तो यहाँ चेक करेंगे लेफ्ट हैंड के लिए क्या, माइनस का टू एक्स, ये माइनस का टू एक्स, और बच्चों माइनस वन वाले पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू वन जा टू, लेकिन बच्चों आगे सिंबल माइनस का यहाँ देंगे तो क्या हो जाएगा टू, ओके, यानी कि माइनस टू, यहाँ तक वैल्यू पुट की एफ इन टू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस टू, लेकिन बच्चों यहाँ पर आगे जो साइन है माइनस का है, तो माइनस के टू डिवाइड बाई माइनस माइनस बन गया प्लस, यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया बच्चों, तो एक्स एक्स प्लस वन, नीचे भी क्या एक्स प्लस वन, तो बच्चों दोनों फैक्टर क्या सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आई, माइनस टू आई बच्चों, ओके। ये फाइनाइट है वैल्यू की, क्योंकि ये भी आपने साथ में ध्यान देना बच्चों, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं या राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो चाहे राइट हैंड डेरिवेटिव हो, कोई भी इनमें से बच्चों वो फाइनाइट, उसकी वैल्यू फाइनाइट आने चाहिए सबसे पहले। अगर सपोज करो यहाँ पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, ये फाइनाइट नहीं आती है, तो फिर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहीं से कन्फर्म हो जाएगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट भी होना जरूरी है। अब ये फाइनाइट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, लिमिट एक्स वर्सेस माइनस वन पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ इनटू माइनस वन डिवाइड बाय एक्स माइनस इनटू माइनस वन, हाँ जी, इसको सिंपलीफाई किया वैल्यू पुट किया एफ एक्स की, माइनस वन ग्रेटर, माइनस वन से ग्रेटर, तो आप चेक करें बच्चों, माइनस वन से इस फंक्शन यहाँ चेक करेंगे, ओके बच्चों, एक्स ये देखो, अब यहाँ देख रहे हैं एक्स माइनस वन, तो टू दिया यहाँ पर दिया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन के लिए भी ये वैल्यू ली जाएगी, और इक्वल टू के लिए ये वैल्यू ले ली जाएगी बच्चों, दोनों के लिए ही है। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन, और नेगेटिव का मतलब लेस देन, तो क्या टू, तो अभी एफ एक्स में टू, और बच्चों ये आपकी वैल्यू टू दी है, पहले भी आपने आई थी बच्चों, क्योंकि माइनस माइनस टू और आगे सिंबल माइनस का बच्चों, इसलिए माइनस का बन जाएगा टू बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल, जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज ऑलवेज जीरो होता है। अब यहाँ देख बच्चों की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये भी फाइनाइट है, जीरो भी क्या फाइनाइट क्वांटिटी बच्चों, तो अब लेकिन दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है, बट दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं है, फाइनाइट के साथ साथ दोनों रिजल्ट क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, यानी कि दोनों आपके पास वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मस्ट भी इक्वल होने चाहिए थे डिफरेंशियलिटी के लिए, लेकिन ये इक्वल नहीं आए, इक्वल नहीं आए, तो मींस क्या है, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है, ओके। हम कहते हैं बच्चों की एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन। अब हमने वन पर चेक करना है प्लस वन पर, जिस प्रकार से मैंने माइनस वन पर चेक किया बच्चों, सिमिलरली उसी प्रकार क्या मैं एक्स इक्वल टू वन पर चेक कर सकता हूँ, और हम यहाँ देखेंगे कि ये है कि दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आएंगे, तो ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वन आप बच्चों वन के लिए भी याद देखो, हमारे पास प्लस वन की इनइक्वालिटी आती है, माइनस वन के लिए भी यहाँ पर दी है और प्लस के लिए दी है, देखो एक्स लेस देन वन,
ऐसा नहीं है कि बच्चों इनक्वालिटी सिर्फ माइनस वन के लिए है और प्लस वन पर जब मैं चेक वन के ऊपर चेक करूंगा तो वन के ऊपर भी यहीं से चेक करेंगे, क्योंकि यहां देखेंगे एक्स लेस देन वन लेफ्ट हैंड, यहां देखेंगे जब लेफ्ट हैंड डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका फंक्शन ये लिया जाएगा, और जब ग्रेटर देन वन वन यहां पर आपने माइनस वन पे देखना प्लस वन पे देखना ओके, तो फिर राइट हैंड में प्लस वन का मतलब कि राइट हैंड डायरेक्टिव तो फिर आप ये लिया जाएगा। दोनों को चेक करेंगे और चेक करने बाद हम देखेंगे कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ओके बच्चों आप चेक कर सकते हैं चाहे तो, और हम इक्वल नहीं आएंगे तो ये फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ना ही माइनस वन के ऊपर ना ही प्लस वन के ऊपर। ओके बच्चों तो लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट फंक्शन दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन थ्री, यानी कि ओपन इंटरवल दिया बच्चों हमारे यहाँ पर जीरो टू ओपन इंटरवल जीरो टू थ्री, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन थ्री इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो और वन के बीच जो बच्चों वो जीरो और थ्री के बीच में मन आता है। ओके बच्चों क्योंकि जीरो के देखो जीरो से ग्रेटर गया वन और वन के बाद गया टू बच्चों, यानी कि बिटवीन जीरो और थ्री के बिटवीन जो मेरे पास बच्चों इंटीजर आएंगे वो क्या आएगा इंटीजर वन और टू। ओके बच्चों तो हमने चेक करना है वन के ऊपर चेक करना है और टू के ऊपर चेक करना है, क्योंकि वन और टू दोनों जीरो और थ्री के बिटवीन में बच्चों। हाँ जी, चेक इट्स डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू वन एंड आल्सो एट एक्स इक्वल टू टू। तो सबसे पहले वन पर चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू वन, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोचेस वन नेगेटिव, सबसे पहले लेफ्ट हैंड कहते हैं नेगेटिव नहीं, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ इंटू वन ए, ए मीन्स क्या वन दिस द फंक्शनल फार्मूला टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन is equal to limit x approaches 1 negative, function क्या बच्चों greatest integer function x minus, okay बच्चों फिर क्या 1 put करेंगे function के अंदर, यानी कि greater integer 1 divided by x minus 1, putting x equal to 1 minus x then x approaches 0, x को 1 minus x put करेंगे negative वाली value में limit में, limit x approaches 0 यहाँ value क्या बन जाए तो x के साथ लेंगे 1 minus x minus 1, बच्चों greater integer 1 क्या होता है कि value 1 ही होती है, तो यहाँ पर क्या एक्स पर क्या पुट करेंगे वन माइनस एच माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाए बच्चों, हमारे पास बाय डेफिनेशन हमें पता है बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर वन माइनस एच, यानी कि वन में से एक स्लाइटली कोई नंबर क्या माइनस हो रहा बच्चों, तो यहाँ से एक कम करके लिखेंगे, यानी कि वन माइनस में से वन माइनस करेंगे वन माइनस वन होता है बच्चों जीरो होता है, तो इसको इसकी वैल्यू क्या जीरो आ गई अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन। ओके क्योंकि वन में से वन माइनस एच का मतलब कि एच के एच कोई पॉजिटिव थ्रो पॉजिटिव वैल्यू है हमारे बच्चों, एच क्या है एच अप्रोच जीरो का मतलब एच इज नॉट इक्वल टू जीरो एच थ्रो पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ से कोई वैल्यू माइनस होगी बच्चों वन में से तो एक माइनस होगी सीधी पॉइंट में, ग्रेटर इंटीजर वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आती बच्चों, बिल्कुल होल नंबर में आएगी। ओके यानी कि किसी इंटीजर में आएगी या माइनस की हो चाहे प्लस की हो या जीरो हो। ओके बच्चों क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर होता है, तो वन माइनस एच तो वैल्यू क्या आएगी एक कम करनी है, यानी कि वन में से एक कम करें तो जीरो आएगी, क्योंकि वन माइनस वन क्या होता है जीरो होता है। ओके बच्चों क्योंकि वन से लेस क्या होता है इंटीजर, वन से लेस इंटीजर जीरो होता है बच्चों। ओके हाँ जी, माइनस वन फिर ये माइनस वन डिवाइड बाय माइनस एच, तो वहां क्या है लिमिट एच पर जीरो माइनस वन बाय माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच पर जीरो वन बाय एच, एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो वन वन बाय जीरो, और वन बाय जीरो क्या होता है इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड। ओके हाँ जी, इसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जब ये फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है, ये इनफाइनाइट क्वांटिटी बच्चों इनफिनिटी है इसमें, ये इनफाइनाइट क्वांटिटी है, और तो इनफाइनाइट क्वांटिटी आएगी किसी भी चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हो या राइट हैंड डेरिवेटिव की हो, तो फंक्शन तो हमारे पास क्या होता है फंक्शन तो डेरिवेटिव जो फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। डेफिनेशन क्या कहती है डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन कहती है बच्चों, जैसा कि हमने कल आपको करा था कि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल एंड ऑल्सो फाइनाइट, और फाइनाइट क्या दोनों क्या है फाइनाइट एंड आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट है। ओके तो फंक्शन क्या बन जाएगा नॉट डेरिवेटिव बन जाएगा, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, इसमें क्या बच्चों या तो क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट फाइनाइट हो इन्फिनिटी हो या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव या दोनों, तो इस केस में क्या फंक्शन नॉट डिफरेंशियल बन जाता है बच्चों, नॉट डेरिवेटिव बन जाता है, तो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेटिव एट इक्वल टू वन, सिमिलरली वी कैन चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट इक्वल टू टू। ओके बच्चों तो इस प्रकार हम दोनों चेक कर सकते हैं। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज दिस एक्स इंटू e की पावर वन बाय एक्स माइनस वन डिवाइड बाई की पावर वन बाय एक्स प्लस वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चे कोमा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और फिर फंक्शन की वैल्यू जीरो भी आएगी बच्चों, जीरो कब आएगी इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर फंक्शन जीरो है और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के ऊपर क्या फंक्शन हमारे पास ये गिवन है बच्चों। ओके इसमें एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो में क्या है लेफ्ट हैंड डायरेक्टली राइट हैंड दोनों चेक करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों चेक किए जाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले बच्चों चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए क्या करेंगे लेफ्ट हैंड डायरेक्टली चेक करेंगे फिर राइट हैंड डायरेक्टली चेक करेंगे। ओके बोथ आर फाइनाइट एंड इक्वल होने चाहिए,
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ओके बच्चों, अदरवाइज नो डिफरेंशियल हो जाएगा फंक्शन। तो सबसे पहले चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ जी लिमिट x पोजिस 0 नेगेटिव, दिस इज द फार्मूला टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द ऑफ एनी फंक्शन इन फंक्शनल फॉर्म, ओके व्हेन द प्रोसेस इज लिमिट x पोजिस 0 नेगेटिव, तो लिमिट x पोजिस 0 नेगेटिव, हाँ जी व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x into e की पावर 1 / x - 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 / x + 1, हाँ जी उसके बाद क्या है x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का तो x ही आएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जब फंक्शन में जीरो पुट करो तो यहाँ जीरो रहेंगे x की वैल्यू, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा नंबर क्या बन जाएगा कंप्लीट में पूरा पूरा जीरो बन जाएगा, ओके हाँ जी x x कैंसिल हो जाएगा, और तो हमारे पास क्या नंबर बचेगा लिमिट x पर जीरो नेगेटिव e की पावर 1 / x - 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 / x + 1। इसके बाद फिर क्या करेंगे x को पुट करो बच्चों जीरो माइनस एच, ओके बच्चो x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, यानी कि जीरो माइनस एच क्या होता है माइनस एच, then h approaches 0, okay बच्चों, then approach 0, limit h approaches 0, e की power minus, x के साथ पर क्या put करेंगे, minus h, यानि कि minus 1 by h हो जाएगा, minus 1 divided by e की power minus 1 by h plus 1 हो जाएगा, okay बच्चों, अब याद रखिए value, इसकी value क्या 0 होती है, जब h approaches 0 है, तो e की power minus 1 by h की value क्या आएगी, 0 आएगी, क्यों आएगी, यहाँ देखिए, when h approaches 0, तो 1 by h क्या हो जाएगा, इनफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 0 by 1 0 होता है, लेकिन 1 by 0 क्या होता है, जब सारे ऐसे रूल करेंगे 0 by 1 का, तो 1 by 0 हो जाएगा, और 1 by 0 मतलब नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफिनिटी होता है बच्चों, ओके, तो e की पावर 1 by h क्या बन जाएगा, इनफिनिटी बन जाएगा, जब मैं e की पावर बच्चों क्या लूंगा, यहां पर नेगेटिव का साइन लेंगे, यहां पर लगेगा e की पावर माइनस 1 by h, तो 0 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों देखो यहां देखो हम बताते हैं e की पावर माइनस 1 by h मीन होता है बच्चों, यहां देखिए कि इसकी पावर माइनस 1 दोनों साइड क्या माइनस वन ले ली, पावर माइनस वन लेते हो तो यानी कि वन बाय क्या बच्चों के पास, हाँ जी ई की पावर, यहाँ तक होता हमने इसका बच्चों नेगेटिव किया तो वन बाय इन्फिनिटी आएगा, ई की पावर माइनस वन यानी कि वन बाय इन्फिनिटी, और वन बाय इन्फिनिटी का जीरो होता है बच्चों, ओके वन बाय इन्फिनिटी, वन डिवाइड बाय इन्फिनिटी की वैल्यू कहते हैं जीरो होती है, ओके जहाँ दोनों साइड नेगेटिव की पावर, यहाँ बच्चों माइनस पावर नेगेटिव लेंगे बहुत साइड बच्चों, यहाँ पर ई की पावर वन बाय, ई की पावर माइनस वन बाय एच और इन्फिनिटी की पावर माइनस वन, तो ई की पावर माइनस वन बाय एच अप्रोचेस ई की, हाँ जी क्या एक इन्फिनिटी की पावर माइनस वन का मतलब बच्चों वन बाई इन्फिनिटी दैट इज जीरो, इट मीन्स क्या हुआ की पावर माइनस वन बाइज क्या जीरो को अप्रोच करेगा यहाँ पर, तो ये जीरो बन गया बच्चों, फिर माइनस वन ये भी क्या बन जाएगा जीरो प्लस वन, हाँ जी तो क्या है माइनस वन डिवाइड बाय प्लस वन तो माइनस वन आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू का ये है माइनस वन। इसी प्रकार चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव के लिए यहाँ पर पॉजिटिव के लिए है, हाँ जी ये क्या फंक्शन डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एफ एक्स माइनस एफ इंटू जीरो, यहाँ पर क्या जीरो पर चेक कर रहे हैं, ए का मतलब क्या है जीरो, यहाँ पर एक्स माइनस ए मीन्स क्या जीरो बच्चों यहाँ पर, लेकिन मैं पॉजिटिव आ रही है राइट डायरेक्ट में पॉजिटिव क्वानिटी, यहाँ पर एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव, हाँ जी एक्स इंटू फंक्शन वाली पुट करते हैं ई की पावर वन बाय एक्स माइनस वन डिवाइड बाई की पावर एक्स प्लस वन, बच्चा देंगे जीरो प्लस जीरो माइनस एक्स माइनस जीरो कहता है एक्स माइनस जीरो तो एक्स होता है एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या बन जाएगी एट एक्स इक्वल टू, हाँ जी जीरो का ऊपर फंक्शन क्या होता है जीरो बन जाएगा क्योंकि जीरो एक्स क्या है जीरो, जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर चालू है जीरो, तो ये जीरो बन गया था आपका बच्चों, हाँ जी यहाँ पर क्या देखेंगे एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास लिमिट एक्स अपर जीरो पॉजिटिव ई की पावर वन बाय एक्स माइनस वन डिवाइड बाय ई की पावर वन बाय एक्स प्लस वन। इसी पर जैसे हमने लेफ्ट हैंड डायरेक्ट में पुट किया बच्चों ऐसे राइट हैंड डायरेक्ट पुट करें एक्स जीरो प्लस एच यानी जीरो प्लस एच का एच होता है देन एच अप्रोच जीरो लिमिट एच अप्रोच जीरो ई की पावर वन बाय वन बाय एच माइनस वन, बच्चे यहाँ पर पुट करेंगे एक्स यहाँ पर क्या पुट करेंगे जहां भी एक्स है वहां पर एच पुट करना तो ये आपके पास फंक्शन ये बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे वैसे तो क्या अगर हम चेक करते हैं बच्चों तो इन्फिनिटी बन जाता है तो e की पावर 1 बाय h क्या होता है इन्फिनिटी होता है तो एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है ओके। लेकिन क्या करेंगे ये चेक करने का तरीका नहीं है तो इसको इस देखो इसको चेक करने के लिए इसको फाइनाइट करने के लिए इस पर लिमिट अप्रोच करने के लिए हाँ जी तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर 1 बाय h तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 1 बाय h से डिवाइड किया ओके बच्चों ताकि हमें लिमिट अप्रोच करा सकूं हाँ जी मैं लिमिट अप्रोच वन माइनस यहाँ की पावर वन बाय की पावर वन कैंसिल हो जाएगा और वन बाय ए की पावर वन बाय एच का मतलब बच्चों ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी ए की पावर माइनस वन बाय एच यहाँ वन प्लस ए की पावर माइनस वन बाय एच और बच्चों आपने अभी भी निकाला था कि ए की पावर माइनस वन बाय एच की वैल्यू कहते जीरो थे हमने यहाँ भी डिस्कस किया बच्चों यहाँ पर जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था और राइट हैंड डेरिवेटिव के सेम रिजल्ट रहे बच्चों तो यहाँ पर क्या वन माइनस जीरो वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन
और ये कब आया बच्चों, इसके लिए हम क्या करना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक ही बार से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब जाके हमारी वैल्यू फाइनाइट आएगी। अब आप यहां देख बच्चों, इसकी वैल्यू माइनस वन है, ये दोनों फाइनाइट क्वांटिटी है मेरे पास, दोनों ही फाइनाइट क्वांटिटी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन, बट आर नॉट इक्वल, लेकिन वो इक्वल नहीं है, फाइनाइट क्वांटिटी के साथ साथ वो इक्वल भी होने चाहिए। ओके बच्चों, अगर इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x = 0, देन फंक्शन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट दैट इज x = 0। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इज द फंक्शन fx डिफरेंशिएबल एट x = c, x = c के ऊपर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है बच्चों, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक बार ये कंडीशन डाल दी गई है कि ये डिफरेंशिएबल है, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो या नहीं, हमने दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पर दी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों की वैल्यू को इक्वल रख के वहां से हमने क्या बच्चों ए और बी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो सबसे पहले फंक्शन हमारे पास गिवन है एट x = c, और ये बात मैंने जो हमने कल आपको बताया था कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब ये गिवन कंडीशन यहाँ पर कंडीशन डाल दी गई है, चाहे ये डिफरेंशियल हो या नहीं हो, ये गिवन है बच्चों, तो हमें मानना पड़ेगा ये फंक्शन डिफरेंशियबल है बिकॉज इट इज गिवन। ओके, और ये भी हम जानते हैं बच्चों कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यू फंक्शन, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, हमें इस बात का पता चल जाए कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो फंक्शन डेफिनेटली कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल फंक्शन, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, लेकिन एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल फंक्शन, बट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले एट x = c पर बच्चों देखते हैं यहां पर, इफ fx इज डिफरेंशियबल एट x = c, then fx is continuous at x to c, because every differential function is continuous function, limit x approaches c। अब जो यहाँ पर continuity को अपनाएं, यहाँ पर सबसे पहले continuity को चेक करना पड़ेगा every value निकालने के लिए यहाँ पर, हाँ जी, continuity की definition क्या होती है कि limit x approaches negative function, positive function और value of the function at the given point that is x is equal to c। तो लिमिट x वर्सेस c नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट क्या दिया बच्चों, x की वैल्यू c पर चेक करनी यहाँ पर, तो c नेगेटिव है, हाँ जी, यहाँ पर नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या दिया गया, x के यहाँ पर दिया, लेस देन के लिए, लेस देन मतलब नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव होता है, और इक्वल का मतलब नेगेटिव और इक्वल दोनों में सेम फंक्शन आपने ये लेना x के, तो बच्चों यहाँ पर आपका x के लिए फंक्शन दिया गया है, हाँ जी। सबसे पहले तीनों टर्म को इक्वल रखेंगे यहाँ पर, तीनों टर्म को इक्वल रखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और क्या है थर्ड टर्म वैल्यू का फंक्शन। ओके बच्चों, तो तीनों टर्म को इक्वल क्यों रखेंगे, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, तो इट मींस क्या, यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूस भी होगा तो इसका इसकी तीनों टर्म है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, तो फंक्शन भी तीनों के आपस में इक्वल होंगी। ओके बच्चों, ओके, ये कंडीशन डाल देगी यहाँ पर, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। ओके बच्चों, वन बाय वन वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन की, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, उसके बाद फिर क्या पुट किया हमने यहाँ पर, हाँ जी, जैसे कि x को c माइनस एच, देन अप्रोच जीरो, यहाँ पर x को क्या लेंगे c माइनस एच, और यहाँ पर x को क्या पुट करेंगे c प्लस एच, और दोनों में क्या h जीरो को अप्रोच करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जब वैल्यू रखी बच्चों x = c, तो यहाँ पर c, हाँ जी, तो सी स्केयर बन जाएगा। ओके बच्चों, तो सी स्केयर जो थर्ड टर्म आपकी वो सी स्केयर बच्चों यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या आपके पास सिंपलीफाई क्या, सी स्केयर, यानी कि लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, ये दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पर। ओके, इसकी वैल्यू सी स्केयर है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है एट एक्स टू सी, इसकी वैल्यू सी स्केयर है, जो आपकी राइट हैंड लिमिट है बच्चों यहाँ पर। तो राइट हैंड लिमिट में जब पुट किया मैंने यहाँ देखेंगे, हाँ जी, ए इंटू एक्स एस क्या पुट करें सी प्लस एस प्लस बी। ओके, तो आपके पास क्या बच्चों, सी स्केयर इज यहाँ देखेंगे ए सी, ये जीरो बन गया प्लस बी, तो ए सी प्लस बी। ओके, और इज इक्वल टू सी स्केयर आपका, इसका नाम है इक्वेशन नंबर वन। यहाँ से इक्वेशन वन बना लेंगे बच्चों यहाँ से, फिर अब निकालेंगे, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है एट, अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों का इक्वल रखेंगे, जैसे आपने लिमिट इक्वल रखी थी बच्चों यहाँ पर। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हाँ जी, ये बच्चों इसकी डेफिनेशन होती है x अप्रोचेस c नेगेटिव fx - c * c डिवाइडेड बाय x - c, लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव, हाँ जी, इसकी वैल्यू पुट की बच्चों यहां देंगे, नेगेटिव के लिए क्या है x स्क्वायर माइनस, हाँ जी, यहां x के साथ c पुट किया तो क्या आएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाय x - c, एक फैक्टर प्लस को जाएगा, फैक्टर माइनस को जाएगा, बच्चों सेम फैक्टर कैंसिल हो गए हैं, तो क्या लिमिट x अप्रोचेस c नेगेटिव x + c, पुटिंग द वैल्यू x = c - s, देन x अप्रोचेस 0, तो c माइनस एस प्लस सी बच्चों, एच क्या जीरो है, तो c प्लस सी टू सी हो जाएगा। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बच्चों, देखो पॉजिटिव है, यहाँ पर ax प्लस बी लिया जाएगा, और x को क्या पुट करें c प्लस एस, देन एच अप्रोच जीरो, तो a इंटू सी प्लस एस प्लस बी माइनस सी स्केयर, और यहाँ पर x क्या c प्लस एस माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो बच्चों आपका, तो a, हाँ जी, मल्टीप्लाई करेंगे
ए सी प्लस में ए सी प्लस में ए एच प्लस बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई एच, क्योंकि सी सी कैंसिल हो गया बच्चों आपका। अब यहां देख रहे हैं आप ए सी प्लस बी, अब ए सी और बी इनको दोनों को दो टर्म आपके पास, ए सी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को कंबाइन करके लिखे बच्चों यहाँ पर ए सी प्लस बी। ओके बच्चों प्लस में अब आपको जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म यानी कि ए एच माइनस सी स्क्वायर इसको लास्ट में लेंगे डिवाइड बाय एच, इनको ऐसे मैंने क्यों लिखा बच्चों, इन दोनों को कंबाइन रूप में क्यों लिखा फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को, क्योंकि ए सी प्लस बी इक्वेशन में आप देख रहे हैं देखो बच्चों ए सी प्लस बी की क्या सी स्क्वायर है, इन दोनों को इकट्ठा इसलिए लिखा बच्चों ताकि मैं इक्वेशन वन यूज कर सकूं यानी कि ए सी प्लस बी के स्थान पर सी स्क्वायर वैल्यू रख सकूं बच्चों। अब यहां ए सी प्लस बी के स्थान पर मैं सी स्क्वायर रखूंगा ताकि सी स्क्वायर से सी स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट क्या है ए एच बाय एच, एच एस कैंसिल हो जाएगा लिमिट एच पर जीरो ए एच बाय एच एच एस कैंसिल हो गया। अब ए तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू ए आई बच्चों, क्योंकि यहां पर एच नहीं रहा है तो ए आई कॉन्स्टेंट आपके पास बच्चों। उसको अगर सिंस अब यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्सक्लूसिव, अब ये देखने की आवश्यकता नहीं है आपने कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 2c आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका a आया है तो ये इक्वल नहीं है इसका ये डिफरेंशियल नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल की कंडीशन दी गई, यहाँ पर ये कहता है ये डिफरेंशियबल है चाहे ये दोनों आपस में इक्वल हो या नहीं हो इस बात ये मैटर नहीं करता है, ये बात मैटर नहीं करती बच्चों, मैटर ये करती है कि कंडीशन क्या दी गई है, हमने दी गई कंडीशन के अनुसार दोनों को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियलिटी कंडीशन नहीं यूज करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है तो फिर इसका मतलब क्या है फंक्शन क्या दोनों लिमिट क्या है इक्वल है दोनों लिमिट को यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव को मैंने इक्वल रखना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर एट एक्स सी के ऊपर, जब दोनों की वैल्यू इक्वल रखी तो एक वैल्यू क्या है यहाँ से टू सी लेफ्ट हैंड। ओके बच्चों ये आपका राइट हैंड की वैल्यू है ये आपकी लेफ्ट हैंड की वैल्यू है दोनों तो ए इज टू टू सी, अब ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे देखिए ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करी यहाँ देखो बच्चों तो मेरे पास फिर क्या आएगा जब ए की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर प्लस बी यानी कि बी की वैल्यू कही माइनस सी स्क्वायर आएगी, इसको सिंपलीफाई करने से क्या है बी की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर, तो हेंस हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू टू सी एंड बी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। ओके बच्चों तो ए और बी की हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली थी तो ए की वैल्यू क्या आई बच्चों 2c और b की वैल्यू आई है माइनस सी स्क्वायर। ओके बच्चों इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, एक इक्वेशन आपने कंटिन्यूटी की कंडीशन को अप्लाई करके निकाली है, दूसरी आपने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन को अप्लाई करके निकालनी है, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन दी गई हो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हो और वैल्यू निकालनी हो तो वहां पर कंटिन्यूटी भी हमने यूज करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी से भी हमने यहाँ बच्चों क्या इक्वेशन वन बनानी पड़ेगी, क्यों क्यों करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी भी, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी की भी हेल्प यहाँ लेनी पड़ेगी ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूटी की हेल्प के बगैर ए और बी की वैल्यू नहीं निकल सकती। तो जब भी हमारे पास कोई स्टार का क्वेश्चन दिया गया हो और फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया हो जिस प्रकार से दिया गया है ओके और ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों आप क्या करेंगे इक्वेशन वन के लिए आप लिमिटिंग वाली वैल्यू जो कंटिन्यूटी वाली कंडीशन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि एवरी डिफरेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है कि तीनों टर्म आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू तो फंक्शन इक्वल है, इसको सिंपलीफाई किया तीनों को इक्वल रखेंगे जैसे आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल रखा था इसी प्रकार तीनों को भी यानी इनको भी क्या रहेंगे सभी को इक्वल रहेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन डालनी पड़ेगी इस कंडीशन को डाल के इवैल्यूएट करके यहाँ से इक्वेशन बनाएगी गेट होगी, फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला ये भी डिफरेंस दिया गया है दोनों इक्वल रहेंगे दोनों इक्वल रहने से यहाँ भी कोई कोई इक्वेशन मुझे गेट होगी जैसे यहाँ से इक्वेशन वन गेट हुई है यहाँ से इक्वेशन टू गेट हो जाएगी, इक्वेशन वन कंटिन्यूटी से बन जाएगी और इक्वेशन टू डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन से बन जाएगी। ओके दोनों को सिंपलीफाई करके ए और बी वैल्यू निकल जाएगी आपकी बच्चों। ओके तो अब करते हैं नेक्स्ट हम नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड फंक्शन इज जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एट एक्स टू जीरो के ऊपर बच्चों हम क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, इसके लिए क्या करें सबसे पहले भी लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ इंटू जीरो डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो नेगेटिव एक्स वैल्यू ऑफ द एफ एक्स क्या बच्चों एक्स ई पावर माइनस इंटू वन बाई मॉडुलस एक्स प्लस वन बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस जीरो और बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स टू जीरो के ऊपर क्या गिवन है जीरो। ओके तो यहाँ इसको सिंपलीफाई किया एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच जीरो माइनस एच क्या होता है माइनस एच देन एच अप्रोच जीरो लिमिट एच अप्रोच जीरो ई की पावर माइनस इंटू वन बाय मॉडुलस वन बाय माइनस एच प्लस वन बाय माइनस एच लिमिट एच अप्रोच जीरो ई की पावर माइनस इंटू वन बाय एच और बच्चों क्योंकि मॉडुलस का तो प्लस का बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस वन बाय एच
माइनस वन बाय जीरो ई की पावर जीरो ई की पावर माइनस जीरो ई की पावर जीरो दोस्तों जिसकी वैल्यू क्या होती है वन, क्योंकि किसी की वैल्यू जीरो बच्चों किसी का भी एक्सट्रीमिटी पॉइंट क्या जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है वन। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या वन आया, अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ इनटू जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। ओके लिमिट एक्स रोज जीरो पॉजिटिव एक्स वैल्यू ऑफ द एफ एक्स क्या बच्चों एक्स ई की पावर माइनस वन बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स एफ इंटू जीरो क्या जीरो डिवाइड बाय एक्स माइनस जीरो लिमिट एक्स जीरो पॉजिटिव एक्स 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 कैंसिल हो जाए बच्चों एंड हमारे पास क्या रिमेनिंग है फंक्शन लिमिट एक्स रोज जीरो पॉजिटिव ई की पावर माइनस इंटू वन बाय मॉडुलस वन बाय मॉडुलस एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स पुटिंग एक्स इज जीरो प्लस एक्स यानी कि एच एक्स इज जीरो एच पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो प्लस एच जीरो प्लस एच क्या होता है एच देन एच अपॉन जीरो लिमिट एच अपॉन जीरो ई की पावर माइनस इनटू वन बाय मॉडुलस एच प्लस वन बाय एच तो ई की पावर माइनस इनटू वन बाय एच प्लस वन बाय एच क्या होता है टू बाय एच होता है बच्चों बाहर पावर माइनस की है बच्चों तो क्या लगेगा लिमिट एच जीरो हाँ जी माइनस है तो नीचे आगे प्लस की हो जाएगी बच्चों पावर ऊपर क्या नेगेटिव है नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव आएगी तो इसमें ऐसे लिख सकते इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन बाय ई की पावर टू बाय एच और बच्चों ई की पावर ये क्या होता है इसकी वैल्यू क्या होगी जब एच एच प्रोच जीरो है तो इन्फिनिटी वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है जीरो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन प्लीज सी क्वेश्चन नंबर नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर सेवन इफ एफ एक्स इज दिस इट डिफरेंशिएबल ये दिया बच्चों कि एक क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है एट एक्स टू वन के ऊपर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमने इस टाइप का क्वेश्चन पहले बच्चों किया था अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे एक इक्वेशन बनाने लगे कंटिन्यूटी से बिकॉज वी नो दैट एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। सो सबसे पहले इसको क्या करेंगे इसको चेंजेबल करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी दी गई यहाँ पर जब मॉडुलस इनइक्वालिटी दी गया है तो उसको ब्रेक करेंगे फंक्शन के अंदर यहाँ देखेंगे बच्चों ये गिवन फंक्शन है इफ x greater than minus 1 less than 1 तो मेरे पास क्या बनेगी यहाँ देखो modulus x का मतलब क्या होता है modulus x less than 1 modulus x less than 1 means so कि x greater than minus 1 but less than 1 okay यानी कि ax के minus b। अब आती है modulus x greater than equal to minus 1 modulus x greater than equal to minus 1 का meaning यहाँ तो होता है तो कि x या फिर जैसे x less than equal to minus 1 तो अगर x less than equal to minus 1 है तो बच्चों minus 1 by x हो जाएगा और अगर if याद रखिए सबसे पहले यार x less than equal to minus 1 और x greater than equal to minus 1 देखो इसको बारे में आपको बताया था बच्चों यहाँ देखिए सबसे पहले बहुत बच्चों को पता नहीं होता इस बारे में कि modulus x greater than equal to 1 ये दिया है इसको कैसे एक्सपेंड करना है इसका मतलब क्या बच्चों ये कहाँ से कहाँ तक वारी करता है इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग बच्चों की x greater than equal to 1 एक इनपल्टी आपकी ये बनेगी दूसरी या फिर क्या या x less than equal to minus 1 यहाँ पर ये तो रेफरेंस जाती है इसका मीनिंग modulus x greater than equal to 1 का मतलब मीनिंग होता है बच्चों कि x greater than equal to 1 या और x less than equal to minus 1 इसका ये मीनिंग होता है बच्चों कि ये बात समझने वाली है तो इसको दो में इस modulus x को दो फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे दो टुकड़ों में ब्रेक कर लेंगे एक क्या है कि x इसका मीनिंग x greater than equal to 1 मॉडल से बाहर निकालेंगे बच्चों x को तो x less than equal to minus 1 अगर x greater than equal to 1 है यहाँ देखो बच्चों अगर x greater than equal to 1 है तो प्लस का आएगा बच्चों 1 by x और अगर x less than equal to minus 1 यानी नेगेटिव है तो फिर फंक्शन क्या है नेगेटिव बन जाएगा मॉडल वाली वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी minus 1 by x। ओके बच्चों नेगेटिव के लिए मॉडल x क्या बन जाता है माइनस का और पॉजिटिव के लिए क्या बन जाएगा मॉडल प्लस का बन जाएगा। ओके हियर fx इज गिवन टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 ये दिया गया है क्वेश्चन बच्चों कंडीशन कि ये x इक्वल टू 1 के ऊपर क्वेश्चन क्या है ये डिफरेंशिएबल है अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये ऑटोमेटिक ये कंटीन्यूअस भी है बिकॉज़ वी नो दैट कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट अब कंटिन्यूटी यहाँ पर यूज करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी यूज करेंगे डिफरेंशियलिटी से पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव से पहले कंटिन्यूटी चेक करें यहाँ पर हाँ जी क्योंकि इससे पहले कंटिन्यूटी आती है डिफरेंशियलिटी से तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x वर्सेस 1 नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर माइनस बी पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 माइनस एच एच बराबर 0 लिमिट एच बराबर 0 ए इनटू 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों यहां पर एक्स का यहां पर पुट किया 1 माइनस एच माइनस बी तो इसको सिंपलीफाई किया एच की वैल्यू 0 पुट की तो ए माइनस बी आ बच्चों आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स वर्सेस 1 पॉजिटिव पॉजिटिव के इनपुट क्या होगा बच्चों पॉजिटिव के लिए आएगा 1 बाय एक्स है आप देख सकते हैं पॉजिटिव के लिए 1 बाय एक्स आपने यहां देखना बच्चों अब हम जब भी लेस देन और ग्रेटर देन या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो आपने फंक्शन ये देखना है। ओके अब ये फंक्शन क्या है ब्रेक करके इस फॉर्म में होगा बच्चों। ओके दिस फंक्शन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। ओके इस फॉर्म इज सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने इसको ब्रेक कर लिया है। हां जिसको फिर क्या किया इसकी वैल्यू पुट की x की 1 + h h = 0
okay, so after simplifying, we get the result is 1. Also, f into x is equal to 1, and the value of the function at the keen point, that is x is equal to 1, is answer is 1, okay. क्योंकि x equal to 1 के ऊपर क्या 1 1 by 1 यहां देखिए 1 by 1 1 by 1 क्या होता है equal to x equal to 1 के ऊपर x की वैल्यू क्या है 1 तो 1 by 1 क्या 1 ओके यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट द पॉइंट के ऊपर 1 हो जाएगा बच्चों अब यहां पर गिवन है कि fx विल बी कंटीन्यूअस अब fx कब कंटीन्यूअस होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट यानी कि थ्री टर्म्स आर म्यूचुअली इक्वल दैट इज अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है a माइनस b आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट लिमिट क्या है a माइनस b हाँ जी और आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि रेटल लिमिट और वैल्यू का फंक्शन एट द ग्रीन पॉइंट आर सेम दैट इज ए माइनस बी इक्वल टू वन एंड नेमिंग द इक्वेशन नंबर वन इसका नाम क्या रहेगा बच्चों इक्वेशन वन नाम देंगे ओके दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर वन अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात ओके बात अब आगे क्योंकि एक मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया था कि एक इक्वेशन बनेगी आपकी कंटिन्यूटी से जब ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया हो एयर बी की वैल्यू निकालनी हो तो उसमें कंटिन्यूटी लगानी पड़ेगी कंटिन्यूटी वाली भी डेफिनेशन लगानी पड़ेगी कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ेगी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों को इक्वल रखना पड़ेगा ओके बच्चों जैसे और वहां से इक्वेशन वन बनेगी हमने इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन किया था बच्चों ओके हाँ जी तो यहाँ से फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी वो आपकी डिफरेंशियल से बनेगी जैसे कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई किया है तीनों टर्मों को इक्वल किया है ऐसे ही क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे इक्वल पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एज पर द गिवन कंडीशन हां जी लेफ्ट हैंड लिमिट ओके दिस इज द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव fx - f * 1 डिवाइड बाय x - 1 वी पुट द वैल्यू ऑफ द fx ओके फॉर नेगेटिव वैल्यू ax2 - b - 1 डिवाइड बाय x - 1 पुटिंग x = 1 - 1 देन h अप्रोचेस 0 h अप्रोचेस 0 मींस दैट s टेंड्स टू 0 s टेंड्स टू 0 h क्या है s थ्रो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव क्वांटिटी ओके h अप्रोचेस 0 ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी को थ्रो कर रहा है जो स्लाइटली ग्रेटर देन 0 ओके बट वेरी नियर नियर 0 ओके इज नॉट इक्वल टू 0 ओके बच्चों हम ये बात पहले ही आपको कई बार बता चुके हैं लिमिट एच पर जीरो हाँ जी आपने क्या पुट किया a into 1 minus x square minus b minus 1 divided by 1 minus h minus 1 ओके यानी कि x क्या है 1 minus h तब लिमिट क्या बनेगी अब x की बजाय h में चेंज होने अप्रोच कर गई बच्चों h अप्रोच 0 लिमिट h अप्रोच 0 a into हाँ जी यहां पर क्या आइडेंटिटी लग जाएगी a minus b का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हाँ जी लास्ट में क्या है माइनस b माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस h हाँ जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे a को बच्चों a on the a h square minus 2 a h और minus b minus 1 ओके बच्चों minus h नीचे बच्चों हाँ इसको सिंपल अब देखो फर्स्ट टर्म को और जो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या आपकी पांच टर्म बच्चों यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म को और जो फोर्थ टर्म को कंबाइन कर लेंगे फर्स्ट टर्म यानी कि a और फोर्थ टर्म क्या माइनस बी इन दोनों कंबाइन क्यों किया बच्चों क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू क्या 1 है इक्वेशन 1 यहाँ पर यूज करेंगे ओके अदरवाइज ये सिंपलीफाई नहीं हो पाएगा तो क्या करें दोनों को कंबाइन करके एक और माइनस बी को ताकि यहाँ से इक्वेशन 1 यूज की जा सके ओके हाँ जी अब a माइनस बी प्लस ए एच स्क्वायर माइनस 2 ए एच माइनस 1 अब a माइनस बी की वैल्यू 1 बच्चों तो यहाँ 1 पुट करेंगे माइनस प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल तो ए एच स्क्वायर माइनस 2 ए एच डिवाइड बाय माइनस एच एच प्लस 0 अब जो इसको सेपरेट करेंगे ए एच स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस एच और माइनस माइनस प्लस 2 ए एच बाय एच अब एक पार बच्चों एच स्क्वायर है एक पार कैंसिल हो जाएगी एक पार बच जाएगी यहाँ एच स्क्वायर है एच ओनली पार 1 है ऊपर पार 2 है और दूसरी टर्म क्या है 2 ए एच बाय एच 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 कैंसिल हो जाएगा अब लिमिट क्या है लिमिट एच 0 तो माइनस यहाँ पे तो हमारे पास क्या गेन बच्चों अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये माइनस का बच्चों माइनस है यहाँ पर क्योंकि माइनस क्या बच्चों माइनस ए एच माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 ए एच प्लस 0 एच 0 बन जाएगा तो 0 प्लस 2 ए 0 प्लस 2 ए क्या होता है 2 ए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आपका 2 ए जिस प्रकार से बच्चों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है ठीक उसी प्रकार बच्चों हम क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर इस पर डायरेक्टिव राइट एंड डायरेक्टिव क्या बच्चों लिमिट x वर्सेस 1 पॉजिटिव fx - 7 टू 1 डिवाइड बाय x - 1 जैसे हमने लेफ्ट हैंड डायरेक्टिव निकाला बच्चों अब निकालेंगे राइट हैंड डायरेक्टिव ओके तो लिमिट x वर्सेस 1 पॉजिटिव fx क्या है पॉजिटिव के लिए 1 बाय x - 1 ओके डिवाइड बाय x - 1 लिमिट x वर्सेस 1 पॉजिटिव 1 - x यहां से एलसीएम लिया 1 - x x * x - 1 हो जाएगा यहां पर हाँ जी अब यहाँ देखो माइनस वन कॉमन लेते हैं तो माइनस वन कॉमन लेने से ये माइनस का प्लस का बन जाएगा प्लस वाला माइनस का यानी कि माइनस इनटू एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस बाहर ले लें बच्चों को लिमिट से बाहर लिमिट एक्स प्लस वन पॉजिटिव वन बाय एक्स पुटिंग एक्स टू वन प्लस एक्स देन एच प्लस जीरो माइनस लिमिट है तो जीरो वन बाय वन प्लस एच पुट करें एक्स के सामने बच्चों तो हाँ जी माइनस और ये क्या है जीरो बन जाएगा वन बाय वन करता है वन बाहर निशान बच्चों जो नेगेटिव का सिंबल था तो माइनस का वन आएगा तो सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x = 1 ये गिवन बच्चों की ये फंक्शन क्या है ये गिवन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे ओके ये कंडीशन के अनुसार
तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपका 2a, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा माइनस वन, यानी 2a इज इक्वल टू माइनस वन। ओके बच्चों, 2a इज इक्वल टू माइनस वन, तो देयर इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। a की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू। अब b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर वन में पुट कर रहे जैसे आ जाएगी फ्रॉम वन, a माइनस इज इक्वल टू वन, a की वैल्यू क्या है माइनस वन बाय टू। हाँ जी, माइनस ए के साथ माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू पुट करो, फिर माइनस बी इज इक्वल टू वन, दिस इंप्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू वन। और माइनस का बच्चों माइनस का वन बाई टू है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड प्लस का वन बाई टू, एलसीएम टू, टू जा टू प्लस वन थ्री बाई टू, तो माइनस का बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो माइनस के साथ बच्चों राइट हैंड साइड तो बन जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। यानी कि वैल्यू ए की क्या है, ए की वैल्यू है माइनस वन बाई टू और बी की वैल्यू है माइनस थ्री बाई टू, इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो बच्चों आपने मैक्सिम से मैक्सिम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, आज हमारी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही क्या है कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम बच्चों आगे करेंगे आपका डेरिवेटिव जो चैप्टर आपका बच्चों, अब डेरिवेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे। इससे जो संबंधित जो आपके रिजल्ट है बच्चों वो आपके एज ए नोट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के जितनी आपके क्वेश्चन होने करवाइए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन।